नमस्कार, मैं हूं शिखा गोसाई और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। मध्य प्रदेश के जिला देवास से वहाँ की जनता से भारत न्यूज टीवी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर राय ली गई। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के देवास से राहुल झांझा की रिपोर्ट। हम खड़े हैं देवास जिले में और हम देवास जिले के शहरवासियों से पूछते हैं कि अयोध्या के बारे में जनता की क्या राय है। के फैसले का सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए, ये देश हमारा है। ऐसी स्थिति में देश की एकता, अखंडता और देश की सद्भावना को कायम रखना भी हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। मैं सभी गणमान्य नागरिकगण आशीर्वाददाताओं से निवेदन करता हूँ कि देश की एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा और शांति के लिए अपना सहयोग प्रदान करें, इस फैसले का सम्मान करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। भैया, सुप्रीम कोर्ट का जो आज ऐतिहासिक फैसला आया है, पूरा मुस्लिम समाज आज उसका स्वागत कर रहा है और इसकी बहुत सख्त ज़रूरत भी थी। ज़रूरत इसलिए थी कि पिछले 150 सालों से ये मसला अटका हुआ था, जो राजनीति के लिए भी राजनीतिक लोग इसको मुद्दा बनाकर भुना रहे थे, आज उसका भी पटापेक्ष हुआ। मुस्लिम समाज इसका सम्मान करता है, देश की शांति के लिए, अमन के लिए ये बहुत ज़रूरी थी। बहुत अच्छा आया था, हम सम्मान करते हैं उस बात का और फैसला बहुत अच्छा आया है, देश हित में आया है। सब लोगों ने अपना हमने भी उस चीज़ को वो कराया था, तो शांति चाहते हैं और अमन चाहते हैं अपन देश के लिए। मैं एक व्यापारी हूँ, फैसला जो भी आया अच्छा आया है, इससे व्यापार धंधा बहुत अच्छा चलेगा, आगे यही उम्मीद है। अच्छा रहा ये, राष्ट्र हित में बहुत अच्छा रहा, जो राष्ट्र हित में काम करेगा वो बेहतरीन अच्छा काम रहेगा और इस देश के लिए सौंदर्य बना रहे और लोग आपस में लड़े नहीं, उसके लिए बेहतर मामला रहा। ये पूरे भारतवासियों के लिए ये माना जा सकता है कि आगे अब क्या करना है और किस रास्ते पे हमको चलना है और किस तरह से अब हमको विकास के मार्ग पर और हमारे संस्कारों का विस्तार हो, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आगे का मार्ग प्रशस्त किया है आज के फैसले ने, मेरा ये मानना है। अब इसमें अगर बात की जाए तो ना किसी की जीत है ना किसी की हार है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी, लगातार 40 दिन तक, ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि लगातार 40 दिन तक सुनवाई की गई, सारे पक्षों को देखा गया, ऐतिहासिक तथ्यों को देखा गया, आध्यात्मिक तथ्यों को देखा गया और इसको एक जमीन की तरह कोर्ट ने फैसला किया और जमीन पर अधिकार किसका होगा और किस तरह से होगा ये सुनिश्चित किया है। तो कोर्ट के फैसले का हर भारतवासी को सम्मान करना चाहिए, करते रहे हैं वो करते रहेंगे। आपसी भाईचारा, सौहार्द का वातावरण इस देश की मिसाल पूरी दुनिया में कायम हमेशा रही है, इस बार भी रहेगी, ये पूरी उम्मीद इस फैसले से निश्चित तौर पर सामने आती है। कुछ पक्ष हैं जो ये कहेंगे हम संतुष्ट नहीं हैं, कुछ पक्ष ये कहेंगे कि कुछ और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन ये सब होता रहेगा। इन सब के बीच में हमको ये तय करना है कि अब देश किस रास्ते पे चलेगा, विकास के रास्ते पे चलेगा और सिर्फ विकास के रास्ते पे चलेगा। तो ये थी आज की ताज़ा खबर। देश और दुनिया की और भी खबरें जानने के लिए बनिए रहिए भारत न्यूज़ टीवी के साथ। धन्यवाद।